मंसूर, यह खुद आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। घर से निकलने के बाद शिल्पा शिंदे ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। सबसे बड़ा जो खुलासा उन्होंने किया है वो किया है हिना खान के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि हिना खान उन्हें नौकर की तरह ट्रीट करती थी और इसके बाद वो हिना खान से कभी नहीं मिलेंगे। आखिर इतना भी गुस्सा क्या है? और आप अगर ध्यान दोगे तो हिना खान और शिल्पा शिंदे गले मिले थे जब विनिंग ट्रॉफी दी गई थी, तो ठीक है। अब उसके बाद आखिर क्या हुआ जो शिल्पा शिंदे ने ऐसा कहा है? मिड डे की रिपोर्ट के हिसाब से जो शिल्पा ने कहा वो मैं बताता हूँ। हिना वॉज द मीनेस्ट पर्सन ऑन द शो। हिना सबसे मीन पर्सन थी, यानी कि सबसे खराब, यानी कि मतलबी जिसे कहते हैं। शी वुड बी स्वीट ओनली इफ शी वॉन्टेड समथिंग फ्रॉम मी, यानी उसे कुछ चाहिए था तभी आपसे बहुत अच्छे से बात करती है, अदरवाइज नहीं। इफ यू कन्फ्रंटेड हर अबाउट द कमेंट शी मेड शी वुड डिनाई देम आउटराइट, यानी कि अगर आप उसे पूछते कि उसने जो पहले कमेंट किया उसके बारे में तो वो पूरी की पूरी बोल देती नहीं मैंने कभी क्या बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। इसके अलावा उसने साफ साफ कहा है हिना ने मुझे एक सर्वेंट की तरह, यानी कि नौकर की तरह ट्रीट किया है। और उसके बाद और क्या कहा है एट द एंड, उन्होंने कहा कि आई वुड नेवर वॉन्ट टू मीट हर अगेन वाइल हिना खान नो एवरीथिंग इन द किचन, आई हैड नो क्लू हाउएवर आई हैड ऑल द वर्क बट शी नेवर बॉदर्ड। यानी कि इन्होंने कहा है कि शिल्पा ने कि हिना खान से वो कभी नहीं मिलेगी, और उसके अलावा हिना खान सब किचन के बारे में जानती थी, खाना वाना का कैसे बनाते क्या करते, लेकिन उन्होंने कभी ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं की मेरी, कभी उसने ध्यान नहीं दिया। और मैंने इसके पहले 1819 लोगों का खाना नहीं बनाया था, लेकिन वो भी मैंने इस घर में बनाया सभी के लिए। तो शिल्पा शिंदे ने जो भी चीज़ें कही है हिना खान के बारे में, मुझे नहीं पता कि इसके बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैंने जो भी शो देखा है उसमें तो शो के हिसाब से मुझे तो सही लगे सब, बट स्टिल अगर शिल्पा शिंदे कह रही तो मानना जरूर पड़ेगा। क्या लगता है आपको, शिल्पा शिंदे ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि हिना खान बहुत ही मतलबी थी और दूसरी चीज़ कि वो हिना खान से मिलेंगी नहीं, और जो भी चीज़ें हैं आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए। बाय बाय।